हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न बैक फेस डिटेक्शन इन दिस वी कवर टॉपिक्स विजुअल सरफेस डिटेक्शन व्यूंग कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉलीहेड्रॉन एंड बैक फेस डिटेक्शन मेथड ना व्हाट इज विजुअल सरफेस डिटेक्शन तो जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ए पर्सन इज लुकिंग एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डायरेक्शन तो एक पर्सन जिस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से व्यू कर रहा है फ्रॉम देट डायरेक्शन सम पार्ट आर विजबल एंड सम पार्ट्स आर हिडन नॉर्मली जब हम किसी कैमरे से किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो हमें कुछ पार्ट्स विजिबल होते हैं और कुछ पार्ट्स ऑब्जेक्ट के विजिबल नहीं होते हैं तो जो पार्ट्स हमें विजिबल होते हैं वही डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पे तो सेम कॉन्सेप्ट इज है ए पर्सन इज व्यूइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड फ्रॉम दैट डायरेक्शन सम पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर विजिबल और सम पार्ट्स आर नॉट विजिबल दैट इज़ हिडन ओके द ऑब्जेक्टिव इज टू लोकेट दोज पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर विजिबुल ओके तो यू कैन सी इन द पिक्चर जो सेकेंड पौनी हेडोन बना हुआ है उसके जो कुछ पार्ट्स विजिबुल हैं और जो थोड़े डॉटेड पार्ट्स हैं वो यहाँ इन विजिबुल हैं देट इज़ हिडन है तो so, हमें उनको एलिमिनेट करना है यानी हमें ऑब्जेक्ट से उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है जो विजिबुल है और उन पार्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना है जो हिडन so, है तो विजिबल सर्फेस डिटेक्शन के हैं या हिडन सर्फेस डिटेक्शन के हैं बहुत नेम्स आर चिनोनिम्स ओके तो व्हाट इज़ विजबल सरफेस डिटेक्शन? इट इज़ टू आइडेंटिफाई दोज पार्ट्स ऑफ अ सीन दैट आर विजिबल फ्रॉम अ चूजिंग वीविंग पोजीशन, ओके नाउ तो जितने भी हम अप्रोचेज हैं जो यूज़ करते हैं फॉर विजिबल सरफेस डिटेक्शन, उनकी कुछ करेटिस्टिक्स होती हैं जैसे कि फर्स्ट वन रिक्वायर नाज मेमोरी साइज तो जो अप्रोच हम यूज कर रहे हैं उसको जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है दिस इज़ द फर्स्ट कंसीडरेशन ओके द सेकेंड इज रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम तो जो अप्रोच हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर विजुअल सरफेस डिटेक्शन उसकी प्रोसेसिंग टाइम मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ठीक है ज़्यादा है कि कम है हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग टू डिटेक्ट विजिबल सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स द थर्ड कैरेटिक्स इज एप्लीकेबल टू विस्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट तो नॉट ऑल सरफेस डिटेक्शन टेक्निक्स यूज फॉर डिटेक्टिंग विजिबल सर्फेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ विजिबल सर्फेस टेक्निक्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर ही अपनी केबल हैं नॉट ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हमें यह भी देखना होता है कि कौन सी टेक्निक किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स पर विजिबल सर्फेस डिजेक्ट कर पाती है और नहीं कर पाती है आफ्टर that वी हैव टू कंसिडरेशन सर देयर कि किस सीनैरियो में हमें किस अप्रोच को हमें कुछ टेक्निक को हमें यूज करना चाहिए तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सीन तो जिस पिक्चर को हमें कैप्चर करना है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस पर डिसाइड होता है कि हमें कौन सी टेक्निक को कंसीडर करना चाहिए सेकंड है कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सीन सी। उस सीन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं उनका टाइप क्या है जैसा कि हमने फ़र्स्ट में करेक्टिस्टिक्स में देखा कि नॉट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हर जो टेक्निक है वो हर ऑब्जेक्ट नहीं एप्लीकेबल नहीं है कुछ टेक्निक्स कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नहीं अपलिकेबल है तो हमें ये भी कंसीडर करना होता है कि जो सीन को हमें कैप्चर करना है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस टाइप के हैं थर्ड इज अवेलेबल इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसके लिए कौन सी टेक्निक शूट करेगी हमारे पास जो हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर है जो कैमरा है एक्सेट्रा जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उन इक्विपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी टेक्निक को सिलेक्ट करना होता है लास्ट वन इज स्टैटिक और एनिमेटेड तो जो पिक्चर हम कंसीडर कर रहे हैं वो स्टैटिक है मतलब फिक्स है उसमें उसके जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है या एनिमेटेड है मतलब जिसमें मूवमेंट हो रहा है मोशन हो रहा है ऐसा कोई सीन है तो अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक और एनिमेटेड पिक्चर वी हैव टू कंसीडर विच टेक्निक इज बेस्ट शूटेड तो दीज आर द कि किन पैरामीटर्स पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेस्ट होगी ओके, नाउ नासीफिकेशन और विजुअल सर्फेस डिटेक्शन एलगोरिजम्स तो यहाँ पे जितने भी टेक्निक्स हैं वो दो मेथड्स पे काम करती हैं एक तो है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड और इमेज स्पेस मेथड तो जितने भी हम टेक्निक्स देखेंगे वो या तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड कैटेगरी की होंगी या इमेज स्पेस मेथड कैटेगरी की होंगी ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में वी कंपेयर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू डिसाइड विच इज विजिबल और विच इज़ हीडन यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा पार्ट विजिबुल है और कौन सा हिडन है ओके इन इमेज स्पेस मेथड विजिबिलिटी इज डिटर्मिंड पॉइंट बाई पॉइंट एट ईच पिक्सल पोजिशन ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन तो इमेज स्पेस मेथड अप्लाई होता है प्रोजेक्शन प्लेन पर दैट इज पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन देते हैं प्रोजेक्शन प्लेन पर और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट विजिबल है कि नहीं है तो यहाँ पे हमें पिक्सन बाय पिक्सन कंसीडर करना होता है ऑब्जेक्ट का तो फर्स्ट मेथड में ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में वी आर नॉट कंसीडरिंग पिक्सन बट इन सेकंड मेथड वी हैव टू कंसीडर द पिक्सन टू डिसाइड विच पोर्सन इज विजिबल और नॉट ओके नाउ लेफ्ट वर्सेज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम तो लेफ़्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यू कैन सी इन द फिगर कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस हैं तो किस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस करेंगे किस डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस करेंगे किस डायरेक्शन को हम जेड एक्सिस करेंगे इसके बेस पे दो तरह के व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं एक होता है लेफ्ट एक होता है राइट इन लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम द पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पॉइंट राइट अप एंड फॉरवर्ड रेस्पेक्टिवली एंड पॉजिटिव रोटेशन इज नॉट वाइज अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नेट हंड्रेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स होता है वो राइट right को पॉइंट करता है वाई होता है वो अपवर्स पॉइंट करता है और जो जेड होता है वो पॉजिटिव जेड होता है वो फॉरवर्ड पॉइंट करता है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ दी पॉजिटिव एक्सेस और जो रोटेशन होता है तो अगर ग्नॉक वाइज रोटेशन हो रहा है अबाउट द एक्सेज तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव हो रहा है और एंटी एंटीग्नॉक हो रहा है तो उसको हम कहेंगे Means, रोटेशन इज नेगेटिव मीन्स प्लस थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड रोटेशन मतलब है कि क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है माइनस थर्टी डिग्री मतलब एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है इसी तरीके से राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स है और वाई है एक्स इज़ पॉइंटिंग टू राइट वाई प्लस वाई इज़ पॉइंटिंग टू अप और जो नेगेटिव जेड एक्सिस है वो पॉइंट कर रहा है फॉरवर्ड में तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट इन लेफ्ट हैंडेड कॉर्डिनेटर सिस्टम पॉजिटिव जेड इज़ पॉइंटिंग टूअर्ड्स फॉरवर्ड एंड इन राइट हैंडेड कॉर्डिनेटर सिस्टम नेगेटिव जेड एक्सिस इज़ पॉइंटिंग टूअर्ड फॉरवर्ड ओके और यहाँ पे जो पॉजिटिव रोटेशन होगा वो काउंटर कनॉकवाइज होगा तो so अगर हम काउंटर क्नोकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं रोटेशन कर रहे हैं देन इट इज रिटेड एज पॉजिटिव रोटेशन अदरवाइज इट इज नेगेटिव रोटेशन और लेफ्ट हंड्रेड में क्लॉक वाइज मूवमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव रोटेशन ओके तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हंड्रेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नाउ देट्स इ पौधी हेड्रॉन ए पौधी हेड्रॉन इज ए थ्री डायमेंशनल सॉलिड मेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर पोनीगंस तो पौधी हेड्रॉन एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और वो किससे भी बना है ज्वाइनिंग पॉनीगन्स को ज्वाइन करके एक पॉनी हेडॉन बनाए जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इट इज मेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर पोनीगन्स तो इसके सरफेस को देखेंगे तो इसके सरफेस कितने है? पॉनीगन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंड हैं जो तो पॉनी हेडॉन है ये दो शब्दों से मिल के बना है पॉली मीन्स मैनी एंड हेडॉन मीन्स सरफेस तो कई सारे सर्फेसेस से मिल के आपका एक पॉनी हेडॉन बनता है और हर सरफेस के आए आपस में एक पॉलीगन है ओके एंड द पोनीगन आ पोनी हेड्रॉन्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज तो ये पोनी हेड्रॉन इज जनरन टर्म है अगर इसमें केवल चार फेस होंगे तो इससे हम ट्रेक्टर कहेंगे पांच फेस होंगे तो पेंटर हेड्रॉन कहेंगे सिक्स होंगे तो हेडसा हेडॉन कहेंगे ओके तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसके हिसाब से इसका नेमिंग होता है पोनी हेडॉन इज अ जनरल टर्म दैट इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीगन्स ओके दिस इज वॉट द पोनी हेड्रॉन इज बैक फेस डिटेक्शन एनगोर्थम ठीक है ना ना इन दिस वी यूज राइट हैंडेड कॉर्डिनेट सिस्टम हमने देखा कि लेफ्ट हैंडेड कॉर्डिनेट सिस्टम होता है और राइट हैंडेड कॉर्डिनेटर सिस्टम तो जब भी हम बैक जबकि विजिबल सर्फेस डिटेक्शन एनगौर यूज करेंगे कोई भी तो हमें ये कंसिडर करना होगा कि हम कौन सा व्यूइंग कॉर्डिनेट सिस्टम को यूज कर रहे हैं लेफ्ट और राइट तो इन बैक फेस डिटेक्शन एनगोर्थम

एंड इट कम्स अंडर ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड नाउ लुक एट द फिगर ओके तो दिस इज द ऑब्जेक्ट इज देयर जिसको कि हमें व्यू करना है और एक हमारा कॉर्डिनेट सिस्टम है जो कि राइट हैंडेड कॉर्डिनेट सिस्टम है ओके नाव यू सी दियूंग डायरेक्शन है तो व्यूइंग डायरेक्शन इज ए नाउ नेगेटिव जेड एक्सिस है तो जिस डायरेक्शन के नाउ को हम व्यू कर रहे हैं वो हमारा निगेटिव जेड एक्सिस है ओके okay? नाउ जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें व्यू करना है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कि जितने भी सर्फेसेस हैं हर सर्फेस का हमें नॉर्मल वैक्टर फाइंड आउट करना है जैसे कि यहाँ पर हम एक फिगर में देख सकते हैं कि एक सर्फेस का हमने नॉर्मल वैक्टर शो करना है जिसके कोर्डिनेट्स हैं ए बी एन सी ओके तो वी आर कंसिडिंग ए नॉर्मल वैक्टर एन टू ए सर्फेस कुछ कॉर्डिनेट्स आर ए बी सी एंड वी इज ए वैक्टर इन द दूंग डायरेक्शन तो दे टू वैक्टर्स एक वो डायरेक्शन है जिसके नाम हम व्यू कर रहे हैं उसको हम वी वैक्टर बोल रहे हैं और एक नॉर्मल वैक्टर है जो कि पॉलिगन सर्फेस के परपेंडिकुलर है ओके okay? नाउ वो सर्फेस अगर बैक बैकफेस होगा हिडन होगा इफ द कंडीशन नंबर वन इज सेटिस्फाइड दैट इज वी डॉट एन यानी वी डॉट प्रोडक्ट एन इज ग्रेटर देन जीरो आ जाए ट इज पॉजिटिव आ जाए इट मीन्स तो जो नॉर्मल वैक्टर है उसका जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ है इट मीन्स इट इज अ बैक साइड तो वी डॉट प्रोडक्ट एन इज ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स द सरफेस इज ए बैक फेस ओके okay? नाउ इस, इसी इक्वेशन को तो थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं कि अगर हमारा जो व्यूइंग डायरेक्शन है एनाग पैर टू नेगेटिव जेड एक्सिस है अगर जो हमारा व्यूइंग डायरेक्शन है वो अगर पैरदन टू नेगेटिव जेड एक्सिस है तो इसका मतलब जो हमारा वी वेक्टर है उसका एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे बिकॉज वी बिकॉज द वेक्टर इज पैरदन टू द जेड एक्सिस तो हमारा जो वी वेक्टर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ज़ीरो ज़ीरो वी जेड ज़ीरो ज़ीरो वी जेड द एक्स कॉर्डिनेटिज जीरो वाई कोर्डिनेटर जीरो एंड जेड कॉर्डिनेटिज वी जेड अब हम इक्वेशन वन पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करें तो वी डॉट एन क्या हो जाएगा तो ए मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई वी जेड तो दिस बिकम्स इक्वल टू वी जेड डॉट सी हो जाएगा तो जो हमारी क्वेश्चन नंबर वन है वो सिम्प्लीफाई होकर इक्वेशन नंबर टू में कन्वर्ट हो जाएगी वेन वी व्यू द ऑब्जेक्ट अनोंग द अनोंग पेर टू देड एक्सेस ओके नाउ अब यहाँ पे क्या है जो रिजल्ट आया वी टू वी जेड सी हमें इसको साइन रिजल्ट जो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देखना है ओके okay? तो हम जानते हैं कि वी वी जेड जो है वो नेगेटिव होगा वाई बिकॉज हमारा जो व्यूइंग डायरेक्शन है अनोंग नेगेटिव जेड एक्सिस है तो वी जेड इज नेगेटिव ओके नाउ अगर सी नेगेटिव होगा तो वी जेड मल्टीप्लाइड बाय सी पॉजिटिव हो जाएगा और अगर सी पॉजिटिव होगा तो वी जेड मल्टीप्लाइड बाय सी नेगेटिव होगा तो इक्वेशन नंबर वन को देखें कि बैक फेस होने के लिए जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए यानी पॉजिटिव आना चाहिए और इक्वेशन नंबर टू में वी जेड डॉट सी पॉजिटिव कब आएगा जब C नेगेटिव होगा क्योंकि वी जेड ऑलरेडी नेगेटिव है तो वैन C इज़ नेगेटिव देन ऑनली वी जेड डॉट सी इज पॉजिटिव ओके इट मीन्स वैन C इज नेगेटिव देन द सरफेस इज बैक फेस ओके तो इक्वेशन नंबर वन को सेटिस्फाई करना है कि रिजल्ट पॉजिटिव आए तो C को नेगेटिव होना होगा क्योंकि वी जेड ऑलरेडी नेगेटिव है तो C अगर नेगेटिव तो होगा तो तो हमारा जो सरफेस होगा वो बैक फेस होगा और सी अगर पॉजिटिव होगा तो वी जेड डॉट सी क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा दैट इज़ लेस देन ज़ीरो आएगा तो इट मींस इट इज़ ए फ्रंट फेस और ए विजिबुल फेस ओके तो दिस इज नाउ समराइज एज इफ द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर टू की बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर टू में इफ़ सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो इट इज़ ए बैक फेस सी लेस देन जीरो है तो बैक फेस होगा और सी इक्वल टू जीरो आ जाए इसका मतलब है कि जो v वेक्टर है और जो n वेक्टर है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री बना रहे हैं इन दैट केस v डॉट c विन बिकम्स जीरो उस केस में भी पॉलीगन आपका पूरा का पूरा हिडन होगा और इफ़ c इज ग्रेटर दैन देन द फेस इज ए विजिबल फेस जो आपको विजिबल होगा दिस इज दिनरियो जो दिस बैक एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल वैक्टर ऑफ ए सरफेस एंड चेक इट जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट जैसे सी वैल्यू को हमें चेक करना है अगर वो नेन जीरो है तो बैक फेस है ग्रेटर दैन जीरो है तो वो विजुअल फेस है तो इसी लॉजिक को हम समराइज करते हैं फॉर एनगोलिज्म में स्टेप नंबर वन कंप्यूट एन फॉर एवरी फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जितने भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें जितने भी फेसेस हैं सबका हमें नॉर्मल वैक्टर फाइंड आउट करना है और फिर हर एक फेस को वन बाय वन कंसीडर करना है और उसके जेड कंपोनेंट दैट इज द वैल्यू ऑफ सी को चेक करना है कि वेदर इट इज़ लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो अगर उसका सी कंपोनेंट लेस देन जीरो है तो वो एक बैक फेस होगा और ग्रेटर देन जीरो है तो वो एक हिडन uh, फेस होगा दस फॉर एवरी राइट हैंडेड सिस्टम इफ जेड कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वैक्टर इज नेगेटिव देन इट इज़ अ बैक फेस इफ जेड कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वैक्टर इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ अ विजुअल फेस तो दिस इज़ अन्वर्थम फॉर राइट हैंडेड सिस्टम अगर ये अन्वरतम हम लिखें लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के लिए तो यहाँ जो वैल्यू ऑफ सी है वो रिवर्स हो जाएगी ओके तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन जीरो होगा तब वो विज तब वो बैकफेस फेस खानाएगा और सी जीरो होगा इस दैट केस में वो विजवल फेस काएगा इन केस ऑफ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम तो सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना वट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस अन्वर्धम इस इज़ यूज ऑनली फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स तो हम इसे सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं ओके नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ठीक है ना? अगर उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रा, ट्रांसपेरेंसी है कंप्लीट ओपेक ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो भी हम इस अनुवर्धन को यूज नहीं कर सकते ओके सेकेंड okay? है कि पार्शियन हिडन फेस वॉट बी एनिमेटेड बाई दिस मेथड तो जो पार्शियन हिडन फेस हैं उनको भी हम एनिमेट नहीं कर सकते यानी इस अनुवर्धन के थ्रू या तो जो सरफेस है वो पूरा का पूरा एलिमिनेट होगा या पूरा का पूरा विजिबल होगा पार्शियन विजिबल नहीं होगा जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं जो कंप्लीटली ब्लैक पोर्सन है दैट इज पार्शियली विजिबल ओके बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बिकॉज दिस अनगोर्डम फेल्स टू एलिमिनेट पार्शियन विजिबल सर्फेसेस तो या तो पूरा का पूरा जो सर्फेस है वह एलिमिनेट होगा या पूरा का पूरा सर्फेस ही से विजिबल होगा पार्सियन विजिबिलिटी को ये एनगोरिदम डिटेक्ट नहीं कर सकता है ओके तो होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैक फेस डिटेक्शन एनगोरिदम थैंक यू न्यूज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल